हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है फंक्शन फलन। देखिए, मैं इससे पहले कि फंक्शन पर बात करूं, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि फंक्शन आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है, फलन आपने 11th में भी पढ़ा है और पूरा वो फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर यूज़ होगा। तो इससे पहले कि मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूं, एक इम्पॉर्टेंट सजेशन आपको दे दूं कि यदि आपको 11th क्लास का फंक्शन भूल गए हैं या प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पहले मेरे 11th क्लास के वीडियो के लिस्ट में चले जाइए और 11th क्लास में मैंने जो फंक्शन पढ़ाया है जिसमें फंक्शन क्या है, फंक्शन के टाइप्स, फंक्शन के प्रकार और फंक्शन से रिलेटेड डोमेन रेंज वगैरह निकालने का जो क्वेश्चन मैंने बताया है उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए और यदि आपको तैयार है तो आप सीधा यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो फंक्शन 11th क्लास से पूरा रिलेटेड है। मैंने फंक्शन जानबूझ के पहले नहीं बताया, बहुत से स्टूडेंट्स का डिमांड था कि मैंने सारणिक पढ़ा दिया, अभ्यूह पढ़ा दिया, फंक्शन रिलेशन का तो वीडियो मैं डाल चुका हूँ ना, संबंध का डाल चुका हूँ, थोड़ा उसमें मैंने हिंदी नहीं बताया लेकिन उतना आपसे चल जाएगा। अब फंक्शन को कम्प्लीट मैं बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ और फंक्शन के बाद फिर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस स्टार्ट होगा, तो ये फंक्शन बहुत जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं सबसे पहले आपको फंक्शन का। फंक्शन आर मैपिंग, यदि हम इस चैप्टर में बात करें इसके लैंग्वेज पर तो मेकिंग कहेंगे, मैपिंग, इसको हम हिंदी में कहेंगे फलन या प्रतिचित्रण। तो सबसे पहले अपन यहां पर फंक्शन को डिफाइन कर लें, एक्चुअल में हमारा फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शन का मतलब होता है, कॉमन लाइफ में यदि हम बात करें तो फंक्शन मतलब होता है किसी पर निर्भरता। जैसे मैं कहूं कि एसी इज ए फंक्शन ऑफ करेंट, एसी क्या है, करेंट का एक फंक्शन है क्योंकि एसी करेंट के बेस पर काम करेगा, करेंट के थ्रू वो काम करेगा। तो फंक्शन का हमारे बिहेवियर में यदि हम सामान्य रूप से बात करें तो किसी का फंक्शन होना मतलब उस पर डिपेंड होना। क्लियर, जैसे आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे थ्रू आप पढ़ रहे हैं तो आप मेरे एक फंक्शन हो सकते हैं। यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में बात करें, तीसरे से एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें। सपोज मैंने कहीं पर लिख लिया y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ पर सपोज मैं x का वैल्यू जीरो रखूँ तो y का वैल्यू, x का वैल्यू जीरो रखूँ तो y का वैल्यू थ्री आएगा। यदि x इक्वल टू वन रखूँ तो y का वैल्यू फोर आएगा। यदि मैं x का वैल्यू माइनस वन रखूँ तो y इक्वल टू टू आएगा। यहाँ पर इस एग्जांपल में आप देख रहे हो कि ये जो y का वैल्यू है कंप्लीट x के वैल्यू पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, दो चर राशि हैं x और y, जिसमें से y का जो वैल्यू है x पर डिपेंड करता है। y बोलता है कि भाई मेरा कोई वैल्यू नहीं है, वो तो x बताएगा कि x का जो वैल्यू होगा मेरा भी उसी हिसाब से हो जाएगा। x बोलता है मेरा वैल्यू जीरो है तो y बोलता है तब मैं तीन होऊंगा। दैट मीन्स यहाँ पर एक वेरिएबल y ऐसा है जो x वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो ये जो डिपेंडेंसी है, ये जो निर्भरता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, फलन कह सकते हैं। हम बिल्कुल आपको इजी लैंग्वेज में, बहुत कॉमन लैंग्वेज में आपको बताया। इस प्रकार से यदि मैथमेटिक्स में दो चर राशि हो, दो वेरिएबल हो जिसमें से एक चर राशि दूसरे चर राशि पर निर्भर हो तो हम उसका उसका एक फलन कह सकते हैं। यहाँ पर इस बात को यदि हम मैथमेटिकली लिखें तो इसको कह सकते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ x, दैट मीन्स y x का एक फलन है। यहाँ पर y x का एक फंक्शन है, ऐसा लिख सकते हैं। और मैपिंग के फॉर्म में इसको लिखें तो इस प्रकार से भी लिखते हैं, f सच दैट x टेंस टू y। क्लियर, f सच दैट, सच दैट मतलब इस प्रकार है कि, f किस प्रकार है कि y का वैल्यू x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब टेंड्स कर रहा है, x टेंड्स टू y, x बता रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो यूज़ होता है वो है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। क्लियर, तो यहाँ पर देखो आप, डोमेन कोडोमेन मैं आपको उस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, आज का क्लास में मैं आपको फंक्शन का पूरा बेसिक फंडामेंटल बता रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि फंक्शन तो टेक्निकल मैथमेटिक्स है, इसको आप बहुत टेक्निक से नहीं समझेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लॉजिक रीजनिंग पर बेस्ड है। तो ये तीन टर्म्स में आपको पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। सबसे पहले डोमेन
हिंदी में बोलते हैं इसको प्रांत। सेकंड कोडोमेन, इसको अपन बोलते हैं सह प्रांत। और तीसरा रेंज, इसको बोलते हैं परिसर। रेंज माने परिसर। अब ये तीनों क्या हैं ये हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर दें। देखिए सपोज हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, और उसका हम इस तरह से मैपिंग डायग्राम बनाएं। सपोज ये एक सेट है और ये बी एक सेट है, क्लियर। एक सेट ए है, एक सेट बी है, ये ए और ये बी। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज इसके जो अवयव हैं 1, 2, 3, 4, और बी के यहाँ पर एलिमेंट सपोज ए बी सी डी ई एफ, ऐसा इसके कुछ एलिमेंट्स इस प्रकार से हैं। अब ए का रिलेशन सपोज ए के साथ में है, ये इसका इसको इमेज कहते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको इमेज क्या होता है। मतलब किसी फंक्शन में मैं 1 रख रहा हूँ तो दूसरे फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, ए आ रहा है। 2 का जो इमेज है वो बी है, 3 का इमेज सी है, और 4 का इमेज सपोज डी है। तो यहाँ पर सेट ए, ये जो सेट ए है वो डोमेन होगा, क्योंकि इसी के बेस पर ये वैल्यू डिफाइन हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया एक्स वाई, तो ये एक्स है ये वाई है, एक्स का वैल्यू क्या होगा इस बात पर वाई का वैल्यू डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो सेट ए होगा, डोमेन मतलब हो गया सेट माने समुच्चय है ना, सेट ए डोमेन हो गया। और कोडोमेन क्या हो जाएगा, सेट बी कोडोमेन हो गया। ये जो समुच्चय बी है वो कोडोमेन हो गया, क्लियर पूरा। मतलब जो वेरिएबल के द्वारा दूसरा वेरिएबल का वैल्यू प्राप्त होगा वो डोमेन होगा, वो उसका कोडोमेन होगा। और रेंज का मतलब क्या है, रेंज को आप ध्यान समझना। रेंज मतलब यहाँ पर किसी भी एलिमेंट का अपना एक इमेज होना चाहिए, मतलब ये इतने रेंज होंगे, ये दोनों इसमें शामिल नहीं होंगे, कोडोमेन में पूरा शामिल होगा। मतलब रेंज वही होता है जो डोमेन का इमेज होता है, ये डोमेन का इमेज नहीं है ई और एफ, क्योंकि इनके साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो कोडोमेन बोलूँगा, इस सार्प डिफरेंस को आपको समझना है। डोमेन मतलब पूरा सेट ए, और सेट ए के बाद उसका जो इमेज बनेगा इंक्लूडिंग अदर एलिमेंट्स वो उसका कोडोमेन कहलाएगा। और रेंज क्या कहलाएगा कि डोमेन का जितना मेंबर का प्रॉपर इमेज होगा, जैसे 1 का इमेज ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी, तो ए बी सी डी रेंज होंगे, ये शामिल नहीं होंगे। मतलब कोडोमेन में पूरा शामिल होगा और रेंज में ये जो मैंने रेडिंग से मार किया वो शामिल होगा, ठीक है। तो ये होता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। इसको हम 11th क्लास में जब पढ़ते हैं तो उसको हम डोमेन और रेंज निकालने का अलग डेफिनेशन, मतलब परिभाषित मानों के समुच्चय को, द सेट ऑफ ऑल डिफाइंड वैल्यूज आर कॉल्ड डोमेन। तो वहाँ पर एक बार उस वीडियो को आप जरूर रिवाइज कर लीजिए ताकि दोनों क्लास की कनेक्टिविटी बनी रहे, और उसके बाद फिर आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये आपको पहले से याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमको यहाँ पर इसके टाइप्स पढ़ना है, प्रकार पढ़ना है, कि कितने प्रकार के फंक्शन। वहाँ पर मैंने फंक्शन के 15 या 16 टाइप बताए हैं, वो अलग है। यहाँ पर हम मैपिंग के तरीके से, इस तरीके से इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। दोनों इसके टाइप हैं लेकिन यहाँ मैपिंग के बेस पर है, प्रतिचित्रण के आधार पर हम इसके प्रकार को पढ़ेंगे। तो ये जो मैं प्रकार आपको समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसी के बेस पर नेक्स्ट क्लास में मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊँगा, क्योंकि आपको मेरा मैथमेटिक्स का पैटर्न पता है कि पहले क्लास में मैं केवल फंडामेंटल बताता हूँ और फंडामेंटल के साथ साथ कुछ क्वेश्चन का आपको एग्जांपल देता हूँ ताकि फंडामेंटल क्लियर हो जाए, और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको ओनली क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ आर मैपिंग, टाइप्स ऑफ, यहाँ पर लिख दिया मैंने टाइप्स ऑफ मैपिंग, फलन या प्रतिचित्रण के प्रकार। ये प्रकार जो महत्वपूर्ण इसके प्रकार हैं जिससे हम इसको पूरा समझ सकते हैं, ये हम इसके टाइप्स को स्टडी करते हैं 1 by 1। तो नाम के बेस पर कैसे मैं उसको बताते जाऊंगा, थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम इसके प्रकार पढ़ते हैं। पहला प्रकार वो है 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव। 1-1 दोनों लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं आपको, 1
वन आर इसको बोलते हैं इंजेक्टिव, इंजेक्टिव, और हिंदी में इसको बोलते हैं एकैकी। ये आप लोग कहीं पर आपको बुक में दिया होगा, अदरवाइज आप मेरे नोट्स से इसे ही बोर्ड से ही आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे, क्योंकि मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराता मैथ्स का, ठीक है, वो पॉसिबल भी नहीं है, उसको आपको अपने से करना है। तो एकैकी प्रतिचित्रण, एकैकी अपन कहेंगे, प्रतिचित्रण लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दिया चलो प्रतिचित्रण ही। वन वन मैपिंग या वन वन को इंग्लिश में इंजेक्टिव भी कहा जाता है। और एकैकी, थोड़ा नाम को ध्यान रखना, एकैकी, एक का एक के साथ, क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकल इशू है, यदि आप उसको प्रॉपर नहीं समझे तो इधर का उधर सब मिक्सअप हो जाता है, ठीक है, और स्टूडेंट बहुत परेशानी। इंग्लिश में देखो वन वन, एक का एक के साथ, मतलब इस तरह का मैपिंग कि सपोज हमारे पास ये एक सेट ए है, एक सेट बी है, जैसा अभी मैंने बताया था, बिल्कुल उसी का एग्जाम्पल एक्चुअली मैंने बताया था। यहाँ पर वन टू थ्री फोर सपोज ऐसा है, और यहाँ पर जो एलिमेंट हैं वो ए बी सी डी ई एफ ऐसा है। तो वन वन माने ए का सेट ए के, सेट ए के एक एलिमेंट का किसी एक के साथ में रिलेशन हो, दैट मीन्स उसका एक ही इमेज हो। जैसे यहाँ पर वन का इमेज सपोज ए है, टू का बी है, थ्री का सी है, और फोर का डी है, तो एक का एक के साथ ही हो तो वन वन कहलाएगा। वन वन एक का एक के साथ, इसमें ध्यान रखना एक्स्ट्रा एलिमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे यहाँ पर ई एफ को मैं हटा दूँ तब भी सही है और रहें तब भी सही है, लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि एक का एक इमेज होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसको बहुत ध्यान से समझना, अदरवाइज मेरा मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये लैंग्वेज समझ नहीं पाते, इसलिए मैं बहुत आराम से एक एक को समझा रहा हूँ। आज के क्लास में यही समझाने वाला हूँ आपको, एक आध दो क्वेश्चन बताऊंगा। तो वन वन आपको क्लियर हो गया, एक का एक के साथ में हो तो क्या कहलाएगा, वो एकैकी, ठीक है, नाम से स्पष्ट है, एकैकी, एक का एक के साथ, वन एक का एक के साथ में, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर अपन पढ़ते हैं, वो है मेनी वन फंक्शन। सेकंड नंबर मेनी वन, मेनी वन, ठीक है, इसको मेनी वन को हम हिंदी में बोलेंगे बहु एक प्रतिचित्रण, बहु एक, बहु एक प्रतिचित्रण। बुक के लैंग्वेज डिफिकल्ट होते हैं, आप मेरे बहुत इजी लैंग्वेज में इसको समझिए और इसी तरह से तैयार करिए, अदरवाइज बुक के लैंग्वेज बहुत कठिन होते हैं। मेनी वन बहु एक मतलब बहुत का एक के साथ में संबंध हो। यहाँ हमने क्या बोला था, वन वन एक का एक के साथ, यहाँ मेनी वन माने बहुत से एलिमेंट्स होंगे उसका एक के साथ में संबंध हो सकता है, ठीक है। आप जैसे नोट्स बनाएंगे तो कुछ ज़्यादा डेफिनेशन देखो, ये तो फंडामेंटल है, तो एग्जाम में आपको आएगा नहीं, एग्जाम में तो आएगा किसी फंक्शन को प्रूफ करना, तो फंडामेंटल क्लियर करने का तरीका है जैसे मैं नोट्स बता रहा हूँ, नाम लिखो बस एक फिगर बना दो, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं, आप फिगर देख के समझ जाओगे कि वन वन क्या है, मेनी वन क्या है, इसीलिए मैं उसको सिस्टमेटिक आपको बता रहा हूँ। तो मेनी वन में क्या होगा, जैसे एक सेट ये है, ये मतलब डोमेन, ये कोडोमेन, सपोज ये ए है और बी है, और यहाँ पर हम कुछ एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। मैं जनरली इसी एलिमेंट्स को आपको समझाता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे, वन टू थ्री फोर यहाँ पर लिया मैं, ठीक है, यहाँ पर ले लिया मैं ए बी सी डी ई एफ, ये ले लिया। अब यहाँ पर मैं रिलेशन कैसे बनाऊँ, कि देखिए मेनी वन माने वन का ए के साथ रिलेशन है, टू का भी ए के साथ रिलेशन है, और सपोज थ्री का भी ए के साथ रिलेशन है, मतलब यहाँ पर वन टू थ्री तीनों के इमेज ए है, क्लियर, वन टू थ्री तीनों का इमेज क्या है, वन है, और सपोज फोर का इमेज अकेले बी के साथ है, और ये एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं जिनका किसी से, जो किसी के इमेज नहीं, इसको इमेज कहते हैं, ये इसका प्री इमेज कहलाता है, ठीक है। इमेज मतलब प्रतिचित्रण, वही चित्र है ये जो लिखा है, प्रतिचित्रण, इमेज मैपिंग कहलाता है, तो ये कहलाता है मेनी वन। देखो मेनी का वन
ये तीनों का एक ही के साथ में है तो मेनी वन कहेंगे, बहु एक प्रतिचित्रण कहेंगे। तो इस प्रकार से नाम के साथ में आपको फिगर को ऐड करके समझना है, क्लियर। इसके बाद थर्ड नंबर का जो हमारा प्रकार है वो है आंटू सर्जेक्शन, आंटू आंटू फंक्शन, या हम इसको दूसरा नाम इसका सर्जेक्शन है, हिंदी बोलते हैं आच्छादक, इसको बोलते हैं आच्छादक। आच्छादित करना मतलब ढक लेना, पूरा का पूरा आच्छादित करना मतलब क्या होता है, आंटू सर्जेक्शन हिंदी में क्लियर है, आच्छादित करना मतलब किसी चीज को हमने कंप्लीट ढक लिया, पूरा का पूरा ढक लिया। तो यहां पर किस तरह का रिलेशन होता है देखो, मैं बार बार आपको नाम के बेस पर इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ और उसी हिसाब से आपको याद रखना, अदरवाइज ये बहुत कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है और कई स्टूडेंट्स इसमें का उसमें किसमें पूरा मिक्सअप कर डालते हैं, इसलिए मैं नाम के बेस पर उसको एक एक फिगर बना के आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, ए का सपोज 1, 2, 3, 4 ये एलिमेंट लिया और बी का एलिमेंट लिया ए बी सी डी ये लिया। तो आंटू का मतलब क्या होता है देखो, इसका 1 का 1 के साथ रिलेशन, सपोज 2 के साथ, C के साथ और D के साथ। यहाँ पर आप एक खास बात देख रहे होंगे कि यहाँ पर हर एलिमेंट का एक एलिमेंट के साथ में रिलेशन तो है, मतलब 1 के साथ में, लेकिन इस एग्जांपल में इसीलिए मैंने इस तरह से डिफरेंस करके आपको बताया। इसमें यहाँ पर देखो E और F एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1-1 में क्या होता है, एक का एक के साथ रिलेशन होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो किसी के भी इमेज ना हो तो भी चलेगा। लेकिन आंटू क्या कहता है, आच्छादक, मतलब होता है सबका आच्छादन होना चाहिए, मतलब बी के कोडोमेन के पास, सह प्रांत के पास ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो इसका इमेज ना हो, एटलीस्ट 1 इमेज उसका होना चाहिए, कम से कम उसका एक इमेज, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, आगे पढ़ाऊंगा उसको मैं। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, 1-1 और आंटू में, इसका मतलब क्या है, दोनों को समझ के आप समझ गए होंगे कि हर आंटू फंक्शन 1-1 हो सकता है, हर आच्छादक फंक्शन एकाएकी हो सकता है, लेकिन हर एकाएकी फंक्शन आच्छादक नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। इसमें 1-1 के साथ रिलेशन होता है और यहाँ पर 2 यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं ई और एफ, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट, यदि यहाँ पर मैं ई लिख दूँ तो वो आन टू नहीं, क्या हो जाएगा, 1-1 हो जाएगा, क्लियर। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो यही आते हैं, प्रूफ दैट द गिवन रिलेशन इज 1-1 आन टू, 1-1 आन टू दोनों है ऐसा। तो सबसे पहले ये 1-1 मेनी 1 आन टू, ये तीन आपको समझ में आ गया होगा, इसका आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि मैं उसको अलग ढंग से पढ़ा रहा हूँ, बुक में बहुत लंबा चौड़ा डेफिनेशन दिया रहता है, बहुत बार स्टूडेंट उसकी भाषा ही नहीं समझते कि बोलना क्या चाह रहे हैं, इसलिए आपको मेरा सजेशन है इस तरीके से आप तैयार करिए, लैंग्वेज पर जाने का नहीं, नाम और ये फिगर क्लियर हो जाएगा कंपेरेटिवली, ठीक है। चलिए 3 को आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, लेना चाहें तो, या समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं इसको विरेस करता हूँ और 4th नंबर का फंक्शन आपको यहाँ पढ़ाता हूँ, या आप उसका ले लीजिए, मैं ये वाला फंक्शन यहाँ पर 4th नंबर पढ़ाता हूँ, आप टाइप 4, 4-5 है इसके प्रकार, बाकी दो दो को कंबाइन करने से तो ऐसे ही बन जाता है। आप 4 नंबर में आपको बता दूं, 1-1 एंड आन टू, जो भी बता रहा था मैं, 1-1 एंड आन टू, 1-1 एंड दोनों के साथ में आन टू, मतलब हम हिंदी में क्या कहेंगे उसको, एक कहे कि आच्छादक, यही लिख देता हूं, एकैकी आच्छादक, नाम से स्पष्ट है, एकैकी भी हो, 1-1 भी हो और क्या हो, आंटू भी हो। अभी तो मैं दोनों को कंपेरेटिव यही बात को समझा दिया मैं आपको कि 1-1 और आंटू हो, मतलब जो दोनों बिहेवियर को रखो, 1-1 भी हो आंटू भी हो, मतलब इसके यदि हम फिगर बनाए तो वही फिगर बनेगा इस तरह से, और क्रास में मेंबर हो सकते हैं ए बी, सपोज ए के मेंबर हैं, एग्जैक्ट वही एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, और ए बी सी डी
बस मेंबर्स को इधर उधर भी कर सकते हैं अपन, जैसे इसका मेंबर ये हो गया, तो इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, सपोज ये हो जाएगा 1 1 2। मतलब ऐसा फंक्शन, ये तो आसान है एक्चुअल में, सिंगल फंक्शन को समझने के बाद डबल वाले में कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 1 2 नाम से क्लियर है, ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और 2 भी हो, जो एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो, दोनों बिहेवियर रखता हो, तो 1 1 2 कहलाएगा। क्लियर? ये अभी आप क्वेश्चन करोगे तो और आपको अच्छे समझ में आएगा। तो फोर्थ नंबर का हो गया 1 1 2। इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ नंबर में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वो है इनटू अंतःक्षेपी, इनटू फंक्शन, ठीक है। इनटू को एक और इंग्लिश नाम से जाना जाता है, इनटू फंक्शन को अपन नहीं है, बस इनटू बोलिए आप इसको, हिंदी में अंतःक्षेपी। हिंदी नाम बहुत कठिन है ना, इंग्लिश मीडियम वालों को भी मेरा, हिंदी मीडियम वालों को भी मेरा सजेशन है कि इंग्लिश में याद कर लें तो अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो इंग्लिश में दिया ही रहता है। अंतःक्षेपी तो इंग्लिश में कितना आसान, इनटू, 1 1 2 इनटू, ये तीनों को यदि कोई सिंगल को ढंग से समझ लिया तो उसके बाद फिर उसको बाकी डबल को बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इनटू फंक्शन में क्या होता है, देखिए वन वन और इनटू के डिफरेंस को थोड़ा ध्यान से समझना, जैसे वन वन बताया मैं अभी, इसके एलिमेंट्स है सपोज 1 2 3 4, ए बी सी डी ई। अब यहाँ रिलेशन देखो, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, ये है, ये है, ये मैंने छोड़ दिया, मतलब इनटू क्या है, आंटू जैसा ही है, वन वन जैसा है, सॉरी वन वन जैसा, एक का एक के साथ तो रिलेशन रहेगा ही, लेकिन एक एलिमेंट कम से कम, एटलीस्ट वन, कम से कम एक एलिमेंट बी के पास ऐसा हो जिसका, जो किसी का इमेज ना हो, क्योंकि वन वन में ऐसा शर्त नहीं है, थोड़ा बहुत सार्फ डिफरेंस है ना, ध्यान से सुनना। वन वन में एक बार रिपीट करता हूँ मैं, वन वन को मैंने क्या बोला था, एक का एक के साथ में रिलेशन हो और बी में कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा बच जाए तो भी ठीक, ना बचे तो भी ठीक, वन वन होगा वो, ना बचे तो उसी को हम क्या कहेंगे, आंटू कह देते हैं। तो वन वन, आंटू और इनटू, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा ध्यान समझना। वन वन, आंटू, इनटू, एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, वन वन मतलब एक का एक के साथ में इमेज है, एक्स्ट्रा रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, मतलब उसके बाद ऑप्शन है, एक्स्ट्रा एलिमेंट जैसे वहाँ पर ई एफ लिखा था, रहे तो ठीक ना रहे, ये बात मैंने आपको समझाया था। वन वन, आंटू में क्या बताया, एक का एक के साथ में रिलेशन हो लेकिन एक्स्ट्रा एक भी नहीं होना, एक भी एक्स्ट्रा हुआ तो फिर वन वन नहीं होगा। लेकिन इनटू क्या कहता है पता है, इनटू कहता है कि वन का वन के साथ रिलेशन तो रहेगा लेकिन बी में एटलीस्ट कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, वन वन में जरूरी नहीं है और इनटू में जरूरी है। तो तीनों सिंगल को आप समझ गए, उसके बाद डबल डबल वाले को आपको बहुत सारा उसको बताने पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो सब आप समझ जाएंगे। वन वन आंटू, वन वन इनटू, वन वन इनटू, जितना बोलेगा, डबल यदि नाम से है तो हम दोनों की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दें। क्लियर? तो यहाँ पर आपको बात क्लियर हो गई होगी, एक बार मैं आपको रिपीट करूँ फिर कुछ क्वेश्चन बताऊँगा। वन वन मतलब एक का एक इमेज हो और कोडोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, आइदर आर, ठीक है। नेक्स्ट, वन वन के बाद आंटू को ध्यान में रखिए। आंटू में क्या होता है, एक का एक के साथ इमेज होगा लेकिन बी के पास कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो इमेज ना हो, माने एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। इनटू क्या कहता है, एक का एक के साथ रहेगा लेकिन उसको कम से कम एक एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे इसको हम ई को हटा दें तो फिर वो इनटू नहीं रहेगा, माने एक एलिमेंट उसके पास ऐसा। तो तीनों आपको मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, बहुत आसान क्वेश्चन इसको डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए, और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसके स्पेशल क्वेश्चन लेके आएंगे।
तब तक आप ये बेसिक फंडामेंटल को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। यदि इसको आप क्लियर करके नहीं आएंगे तो मेरा एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं एग्जांपल के लिए बता दूं, देखिए एक आध क्वेश्चन को अपन प्रूफ करके देख। फंक्शन धीरे धीरे आपको बहुत आसान और टाइम पास जैसे मैथमेटिक्स लगेगा, शुरुआत में कठिन लगता है। इसका सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट में तो कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, a इक्वल टू 1, 2, 3 एक सेट है, a इक्वल टू एक समुच्चय है 1, 2, 3 और b इक्वल टू एक सेट है 4, 5, 6, 7 ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। और आगे बोलता है एंड लेट f इक्वल टू 1, 4, 2, 5, 3, 6 f मतलब इसका फंक्शन है, ये इसके ऑर्डर पेयर में है ना, क्रमित युग्म में वो है 1, 4, 2, 5, 1, 4, 2, 5, 3, 6 आसान है, कुछ भी नहीं इसमें। बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज 1, 1 हमको प्रूफ करना है कि एफ इज 1, 1 मतलब एकाएकी, ऐसे ही दिख रहा है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। इसको बताया क्वेश्चन ऐसा होता है केवल आपको समझाने के लिए, ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है और एफ मतलब उसमें दोनों में जो फंक्शन रिलेशन है ऐसा है, तो एफ को 1, 1 प्रूफ करना है। वो तो ऐसे ही दिख रहा है, ये अपन मैपिंग के फॉर्म में लिख लें। तो ए के एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, बी के एलिमेंट क्या है 4, 5, 6, 7 और फंक्शन में रिलेशन क्या दिया हुआ है, 1 का 4 के साथ में रिलेशन है, 1 का 4 के साथ में, 2 का 5 के साथ में, 3 का 6 के साथ में, 7 एक्स्ट्रा है तो 1, 1 एक का एक के साथ में है तो ये 1, 1 हो गया। तो प्रॉपर्टी बस का प्रूफ हो गया यहाँ पर कि 1, 1 इसका। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं अपन, देखिए आज मैं ऐसे ही सामान्य क्वेश्चन आपको समझाता हूँ डेफिनेशन, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके फिर स्पेशल क्वेश्चन कलेक्शन लेके एक्सरसाइज में आऊँगा मैं आपके लिए, ठीक है। अभी आप पहले फंडामेंटल क्लियर करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन, a इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड b इक्वल टू इसके एलिमेंट्स हैं 7, 9, 11, 13 ये है और इसमें फंक्शन दिया है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x+7 ये है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x+7 जैसे यहाँ पर फंक्शन को वो डायरेक्ट इस फॉर्म में दे दिया था तो यहाँ पर फंक्शन को क्या है एक रिलेशन के फॉर्म में दिया है, इस तरह से एक 2x+7 के फॉर्म में दिया है। और क्वेश्चन में हमको बोलता है देन प्रूव द f इज 1, 1 एंड R2, यहाँ पर हमको प्रूफ करना है f इज 1, 1 एंड R2 दोनों प्रूफ करना है, मतलब हिंदी में अपन क्या कहेंगे एकाएकी तथा आच्छादक, एकाएकी तथा आच्छादक ये दोनों हमको प्रूफ करना है क्वेश्चन में, ये हमको प्रूफ करना है फंक्शन का, क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके वैल्यूज फाइंड करेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पर किस तरह से लिख रहा हूँ मैं, ये a है और ये b है, a b, यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे, a का वैल्यू क्या 0, 1, 2, 3 ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू यदि आप 0 पुट करो, यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करो, यहाँ पर मैं इसके वैल्यू को लिख देता हूँ 0, 1, 2, 3, 7, 9, 11, 13 अब यहाँ पर मैं रिलेशन बनाते जाऊँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए ये जो रिलेशन है यहाँ पर x के वैल्यू को हम यहाँ से पुट अप करते जाएंगे। तो यहाँ पर एक डिटेल आप एक्सप्लेनेशन इस तरह से लिख सकते हो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, आप ऐसा डिटेल में बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा लिखेंगे फर्स्ट इफ x इक्वल टू 0 देन फंक्शन ऑफ 0 इक्वल टू, ये फंक्शन ऑफ 0, तो फंक्शन ऑफ 0 x को 0 रखूंगा तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 7। अब सेकंड इफ x इक्वल टू क्या रखना है 1, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू, यहाँ 1 रखा
तो क्या आएगा 7 + 2, ये 9 हो जाएगा। थर्ड रखेंगे इफ एक्स इक्वल टू 2 देन फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 2 × 4 4 + 7 तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। एंड फोर इफ एक्स इक्वल टू क्या रखें यहाँ पर 3, एक्स इक्वल टू 3 रखें तो फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू 3 × 6 और ये हो जाएगा 13। तो ये वैल्यूज अपने को मिले हैं। अब यहाँ पर ये देखो रिलेशन कैसे बनाएंगे अपन। जब हमने फंक्शन ऑफ एक्स को 0 रखा तो हमको 7 मिला, तो 0 का रिलेशन किससे हो गया, 7 से हो गया। 1 रखा तो क्या मिला, 9 मिला, देखो 1 का रिलेशन 9 से हो गया। 2 रखा तो 11 मिला ये, और 3 रखा तो 13 मिला। अब हमको क्वेश्चन में प्रूफ करने बोला है 1, 1 एंड 2, क्लियर है डेफिनेशन आपका कहाँ से। 1, 1 मतलब एक का एक के साथ रिलेशन है तो 1, 1 हो गया। एंड आन टू क्यों है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर मेंबर इसका कोडोमेन का हर मेंबर किसी न किसी का इमेज है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मेंबर नहीं। तो क्या प्रूफ हो गया 1, 1 एंड 2। तो ये कुल मिला के जो मैं बहुत इजी क्वेश्चन बताया आपको, ये सिर्फ इसलिए कि मैं जो फंक्शन के आपको टाइप्स बताया उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे तब कुछ स्टैंडर्ड और अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन यही पढ़ने का तरीका है। पहले आप बेसिक्स पूर मत रहे, बेसिक्स को क्लियर कीजिए और क्वेश्चन करिए। लेकिन एक सजेशन मैं आपको लास्ट में फिर दे दूं कि 11 के फंक्शन को एक बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन लेके आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।